Assalamu alaikum students, I'm your English teacher and this is lecture number 9 of New Active English. Students, open page number 36. Today we are going to read our story The Fire. Iska part 3 jo hai wo aaj hum read out karenge. What are those people doing? Asked Uzma. She pointed to some of the windows near the ground. उस्मा ने कहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और ग्राउंड के नज़दीक जो विंडोज़ हैं उनकी तरफ उसने पॉइंट आउट किया. दे हैव टेकन द शीट्स ऑफ देयर बेड्स, जमील सेड. दे हैव टाइड देम टुगेदर टू मेक अ रोप. और जमील ने उनको बताया कि जो लोग हैं उन्होंने बेड्स की जो शीट्स हैं उनको उतारा और एक उससे मिलकर उनको बांध कर एक रस्सी बनाई ताकि वो जो है लोगों को नीचे उतार सकें. दे आर क्लाइंबिंग डाउन. वो नीचे उतर रहे हैं. लुक, दे हैव रीच्ड द ग्राउंड सेफली. लुक, देखो वो नीचे ग्राउंड पर बहुत एहतियात और बहुत सेफली जो है वो पहुंच चुके हैं. दैट वॉज डेंजरस बट दे आर नॉट इन डेंजर नाउ. ये बहुत ख़तरनाक था लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर हैं, यानी अब उनको कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि वो अब नीचे ज़मीन पर आ चुके हैं. They are safe. वो महफूज हैं. They feel very thankful now. They are safely on the ground. और वो बहुत शुक्रगुजार हैं और इसलिए वो thankful महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब वो ground पर safely मौजूद हैं. But the other people are not safe yet, said Uzma. Uzma ने कहा लेकिन कुछ लोग अभी भी महफूज नहीं हैं. Their windows are far from the ground. और उनकी खिड़कियाँ ज़मीन से बहुत दूर हैं. They can't climb down. वो नीचे नहीं उतर सकते हैं. No, said Jameel, but the firemen can reach them with their long ladders. जमील ने कहा लेकिन फायरमैन जो है वो उन तक पहुंच सकते हैं क्योंकि उनकी लेडर्स जो हैं वो बहुत लंबी हैं. देयर लेडर्स कैन रीच एज फार एज द रूफ. और उनकी जो सीढ़ी है, जो उनकी सीढ़ियां हैं वो इतनी दूर तक जा सकती हैं जितनी ऊंची उनकी रूफ है, जितनी ऊंची छत है. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना कि फायरमैन के पास जो है वो लेडर्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं. दे विल सून ब्रिंग एवरीवन सेफली डाउन. और वो हर एक को बहुत एहतियात के साथ बहुत सेफली जो है उनको नीचे ले आएंगे. यू विल सी. लुक, दे हैव ऑलरेडी ब्रॉट सम ऑफ द पीपल डाउन. और आप देख चुके हो कि जो है बहुत से कुछ लोगों को बहुत एहतियात के साथ नीचे लाया जा चुका है. नाउ दे आर ट्राइंग टू रीच द पीपल ऑन द रूफ. और अब वो जो लोग छत पर मौजूद हैं उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. Soon, all the people were on the ground. और जल्द ही तमाम लोग जो थे वो ग्राउंड पर मौजूद थे. Some of them were hurt. कुछ जो थे वो जख्मी हुए थे. One man had a cut on his face. और एक आदमी के चेहरे पर कट लगा था. It was bleeding. और उसमें से खून निकल रहा था. An ambulance took these people to the hospital. एक एम्बुलेंस इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर गई. Doctors and nurses were waiting for them there. और डॉक्टर्स और नर्सेज जो थे वहाँ इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे. They would soon be well again. वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे. Not many people were hurt. बहुत से लोग जख्मी नहीं हुए थे. तो बच्चों ये थी सारी स्टोरी. अब हम आते हैं इसके पार्ट ए की तरफ. Put words in the blank spaces. ये सारी ब्लैंक्स हैं और इसके अंदर आपने मुनासिब वर्ड्स लगाकर इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. सम पीपल टाइड शीट्स डैश टू मेक रोप्स. तो बच्चों इसमें क्या आएगा, हमने स्टोरी पढ़ी. सम पीपल टाइड शीट्स टुगेदर टू मेक रोप्स. तो यहाँ पर हम लिख देंगे टुगेदर. आपने पढ़ा ना कि उन लोगों ने बेड की जो शीट्स थी उनको बांधा ताकि वो रस्सी बना सकें उसकी. They took the sheets off their beds. They took the sheets, यहाँ पर लिख देंगे off.
दे टुक द शीट्स ऑफ देयर बेड्स, यानी उन लोगों ने अपने बेड की शीट्स को उतारा. दे रीच द ग्राउंड डैश दे रीच द ग्राउंड सेफली. दे फेल्ट वेरी थैंकफुल. आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि उन्होंने बहुत थैंकफुल महसूस किया. यहाँ पर आप लिख देंगे थैंकफुल. सम पीपल डैश नॉट क्लाइम डाउन. सम पीपल कैन नॉट क्लाइम डाउन. क्यों नीचे नहीं उतर सकते थे? क्योंकि उनकी विंडोज जो थी वो बहुत ऊंची थी. देयर विंडोज वर डैश फ्रॉम द ग्राउंड. यहां पर क्या आ जाएगा? देयर विंडोज वर फार फ्रॉम द ग्राउंड. दैट्स वाई वो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे जमीन के ऊपर, और उन लोगों ने फायरमैन की हेल्प से जो है वो ग्राउंड तक पहुंचे. तो अब हम आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ. विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू विच आर अनट्रू. तो ये बच्चों हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी और अब हम ये जान गए हैं कि इसमें कौन सा जो सेंटेंस है वो राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है. तो चले पढ़ते हैं. सबसे पहले नंबर वन सेंटेंस. सम ऑफ द पीपल टाइड शीट्स टुगेदर एंड क्लाइम्ड डाउन देम. तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक है. यस दिस इज ट्रू. तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू, क्योंकि उन लोगों ने उन शीट्स का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से वो लोग नीचे उतरे. नंबर टू देखें. सम ऑफ द पीपल कुड नॉट क्लाइम डाउन. यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि विंडोज दूर होने की वजह से कुछ लोग नीचे उतर नहीं पाए थे. नंबर थ्री देखें. द फायरमैन्स लैडर कुड नॉट रीच द रूफ ऑफ द होटल. नो दिस इज फॉल्स, क्योंकि जो फायरमैन है उनकी लैडर्स तो बहुत लॉन्ग होती हैं और वो रूफ तक तो आसानी से पहुंच सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स. नाउ कम्स टू नंबर फोर. द फायरमैन्स लैडर्स वर वेरी लॉन्ग. यस दिस इज ट्रू. नंबर फाइव देखें. वन मैन्स फेस वॉज ब्लीडिंग. यस दिस इज ट्रू. हमने पढ़ा कि एक आदमी के चेहरे पर कट लगा था जिससे ब्लीडिंग हो रही थी. नंबर सिक्स देखें. सम ऑफ द पीपल वेंट टू द हॉस्पिटल इन एम्बुलेंसेज. यस दिस इज ट्रू, क्योंकि जो जख्मी लोग थे उनको एम्बुलेंसेज के थ्रू हॉस्पिटल ले जाया गया. नंबर सेवन देखें. ऑल द पीपल इन द होटल वर हर्ट. नो दिस इज फॉल्स, क्योंकि कुछ लोग थे जो जख्मी हुए थे. सबसे लास्ट लाइन पे आप देख भी सकते हैं नॉट मैनी पीपल वर हर्ट, दैट्स वाई इट इज फॉल्स. तो ये था बच्चों आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अल्लाह हाफिज़ बच्चों.